हे दोस्तों, ऐसे ही कुछ मैं जनरल इंफॉर्मेशन अपने वीडियोस में लाते रहता हूँ अपने दोस्तों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के घर बैठे आप अपने मोबाइल पर रिचार्ज कर सकें तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऐप मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही जनरल है और इंडिया में बहुत ही फेमस है, फ्लिपकार्ट। उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है, रिचार्ज। आप इससे बड़ी आसानी के साथ रिचार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया हुआ है। जियो, मेरा जियो प्लान है। ओके, देन नंबर टाइप करते हैं। कुछ प्रोसेस आपको लोगों को फॉलो करना होगा, तो उसके लिए ध्यान से देखें। ओके, 2-1। देन आप लोगों का कौन सा सिम है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका स्टेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ जियो में जितने प्लान ऑलरेडी एक्टिवेट हैं वो सभी दिया हुआ है। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा 399। पे टू प्रोसीड। अगर आप लोगों के पास फोन पे बैलेंस हो तो उसके ज़रिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पे वॉलेट फ्लिपकार्ट का ही है। तो बिना कुछ देर लगे आपका रिचार्ज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है डेबिट कार्ड। ओके, देन हम डेबिट कार्ड से करते हैं। ओके, तो ये तीन नंबर होगा CVV जो आपके कार्ड के पीछे लिखे हुए हैं, उसको टाइप कीजिए। देन प्रोसेसिंग। ओके, ये बहुत से टाइम ऑफर रहता कैशबैक जब का जब भी आ जाता आपके अकाउंट में। ओके, देन आपके फोन नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, आप उस OTP को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, देन आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। देन मेक ए पेमेंट। जस्ट दैट्स इट। आप देख सकते हैं रिचार्ज हो चुका है सक्सेसफुली। इस तरह आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये जो फ्लिपकार्ट में ऑप्शन ऐड किया है पब्लिक के लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको यूज कर सकते हैं और कहीं पर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।